अस्सलाम वालेकुम नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से रबते में। आज यहाँ दर्जा हरारत वही 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड है, हवा ज़रा ज़्यादा चल रही है एंड इट्स वेरी प्लेजेंट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इस मल्टी कलर टी में मुझे बहुत खूबसूरती हर तरफ महसूस हो रही है। कल मैंने जो वीलॉग किया था कि लव वेयर एवर यू कैन, उसको बड़ी पसीराई मिली। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप फाइनली अंडरस्टैंड किए हैं कि ये जो रूह की रोशनी है, ये जो लाइट है, इट इज़ लव ऑल अबाउट। ये जो मौलाना तारिक जमील हैं और ये जो अपने शेख इमरान हैं ट्रिनिडेड से, ये दोनों आपको जन्नत दोजख से डराते हैं बहुत ज़्यादा। और ख़ुद ये ख़वातीन के साथ एंजॉय करते हैं, दोनों ख़वातीन के रसियां हैं, ये रियल लाइफ दोनों एंजॉय कर रहे हैं। और अब शेख इमरान साहब गिलगित में जाके भी कोई प्लाट श्लाट ले के अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। तारिक जमील तो बाकायदा बिजनेस है। मेरे जैसा शख्स आपको कहता है कोई जन्नत दोजख नहीं है बिल्कुल भी, ये आपके इल्यूजन्स हैं। लव एंड ग्रेटिट्यूड इज जन्नत। इस दुनिया को जन्नत बना दें विद लव एंड ग्रेटिट्यूड। कीप ऑन लविंग वेयर एवर यू कैन एंड शुक्र गुजारी करते रहें जो कुछ भी आपके पास है। ये लम्हा, ये मौजूदा लम्हा नाउ, इसमें कहें फबी आला रबी कुमा तो कज़िबान। कल मेरे कुछ दोस्त कैलिफोर्निया से आए हुए थे तो उनके साथ मेरी बैठक थी, बल्कि आरिफ साहब एक बड़े इनकलाबी आदमी हैं, उनका इनकलाब पाकिस्तान में लाने का प्लान है। वो कुछ चैरिटी भी रन करते हैं, कैलिफोर्निया के गवर्नर के लिए भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, वो ज़रा बड़ा मुश्किल काम था, बट आई एडमायर हिज गट्स। वो कोई तीसरे चौथे नंबर पर फॉल किए उसमें, वो तो आपको पता है डेमोक्रेट्स का, और कमली जितने आपके पास पैसे शैसे हों तो आप सेनेटर वेनेटर बन सकते हैं, बट स्टिल आई एडमायर आरिफ साहब। वो उचेचा मुझे मिलने के लिए यहाँ जर्सी आए हैं, थैंक यू आरिफ साहब को। कल मैं अपने साथ इधर वीलॉग में भी लूँगा टू हैव मोर। वो जिस स्पिरिट से पाकिस्तान के इनकलाब की बातें कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर की बातें कर रहे हैं, आई रियली एडमायर दैट। एंड कल वो मेरे साथ इंशाल्लाह इसी टाइम वीलॉग में भी होंगे। उनके साथ कुछ दो साथी थे, मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बेचारों का इधर एक कंटेनर कोई 64,000 के करीब शॉर्ट्स का फंसा हुआ है। एक गोरे के साथ वो ट्रेडिंग, गोरों की कंपनी थी जिसके साथ वो ट्रेडिंग करते थे, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो लोग भी अब फ्रॉड में पाकिस्तानियों का होता था। और इधर से मेरे दामाद ने एक कंटेनर पाकिस्तान भेजा था तो वो LC पे उधर पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रहे थे, तो आखिर वो बेकार ही गया। मैं आई सन इन लॉ ऑल्सो वॉन्टेड टू पनिश देम एंड ही डिड नॉट गिव द रिलीज ऑर्डर्स। इस केस में भी उन्होंने पेमेंट नहीं की तो उन, लेकिन पार्टी गॉट इट रिट्रीव्ड और कहीं स्टोर्ड है। वो कॉस्ट प्राइस पे देने के लिए भी तैयार हैं। पॉलिएस्टर की ब्यूटीफुल टी शर्ट्स विद साइड पॉकेट्स, $1 उनकी कॉस्ट प्राइस है। $1 पे भी कोई होल सेलर या वैसे कोई दुकान पर बेच रहा होता है कोई ले लें। न्यू जर्सी से जो लोग मेरा लाइक फ्रॉम होल ऑफ अमेरिका जो मेरे व्यूअर्स में को टेक्सटाइल गारमेंट्स में काम करता है, वो बेचारे बड़े भटक रहे हैं। देर इज़ नो पाकिस्तानी कमर्शियल काउंसलर, असूली तौर पे कमर्शियल काउंसलर जो न्यूयॉर्क में है शुड सेटल इट और फौरन उसका कहीं हिसाब किताब लगा दे। लेकिन कौन जी, उसमें तो आप ऑफिस में मिल ही नहीं सकते हैं। और बड़ा मुझे दुख होता है, मैं उन दोनों को भी इधर चाहता था मेरे साथ वीलॉग में बताएं। मैं उनकी जिस चीज़ को एडमायर बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, वो 20 साल से टेक्सटाइल में कराची में एक यूनिट से ये काम कर रहे हैं। और मुझे जो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वो ओनर अपने मैनेजर के साथ आया हुआ था। मैनेजर को मैंने कहा कि यार आप तो उधर मैनेजर हैं और उधर, वो मलीर कैंट में रहता था, ओनर गुलिस्तान जौहर में रहता था, नॉर्थ नाजिमाबाद में फैक्ट्री है इन बेचारों की। देखें इन हालात में बेचारे ये चीज़ें बना रहे हैं, मुझे पता होता है 20 साल से एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टक की ये कोई $70,000 की कंसाइनमेंट है, उनकी कॉस्ट प्राइस है, बेचारों को वो स्टोर का भी $550 महीने का पड़ रहा है जहाँ स्टोरेज की हुई है।
तो वो आरिफ साहब ने कहा, नज़र साहब आप अगर कुछ कर, मैं कहा यार मैं तो आई एम ऑल आउट फॉर दोज पीपल। मैंने मैनेजर से बात की कि यार आप इधर सेटल होना चाहते हैं, देखें अमेरिका में जो बंदा कदम रखता है तो वो फौरन कहता है मैं कैसे सेटल हो जाऊं इधर। और दोनों के पास मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीज़ास हैं। उसने कहा नो 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 सर, मेरा अमेरिका से हमारा क्या काम सर, हम सादा से लोग हैं, बच्चे उधर पढ़ रहे हैं सर, उधर ही जीना मरना है, मार दें सर मारना है। वाह वाह वाह, व्हाट अ स्पिरिट। ये कजाकिस्तान से एक मेरे साथ डॉक्टर ट्रेवल कर रहा था, वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम डॉक्टर फ्रॉम न्यूयॉर्क टू नीवा के एयरपोर्ट पर उतर गया था। मैंने खैर आगे आना था अपना मेट्रो पार्क, तो उसको मैंने कहा था कि तू बड़ा स्मार्ट है, गोरी शोरी भी फंस जाएगी, डॉक्टरों की बड़ी ना। कहते नो नो आई हैव नो इंटरेस्ट इन यूएसए, कजाकिस्तान ही प्रेफर्ड, आई प्रेफर पाकिस्तान। कल मुझे ख्वाब आया कि मैं उधर अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा हूँ और दिसंबर का महीना है, सर्दी है, और मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। मैं तो उधर से भी मैं सोचता हूँ कि मैं पंजाब रूरल अपने शिफ्ट हो जाऊँ, छोड़ दूँ जॉब और ये वो। हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे ख्याल में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कल का मैंने जो मूवी का द प्रैक्टिकल मैजिक का कहा था, बड़ा आप लोगों ने पसंद किया। एक्चुअली मैं ये चीज़ें देखते रहता हूँ, शेर व शायरी मूवीज़, और अभी मैं कुछ कोट्स आखिर में इमरान इसराइल ने जो मुझे भेजे हैं वो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कोट्स। देखें सादा सा मामला है, वो ये मामला है कि जनाब साहब आप अपनी जिंदगियों को कॉम्प्लिकेट करी बैठे हैं। अब मैंने आप याद करें मैंने 3 महीने पहले 12 जुलाई को ये फैसला आया था, और जुलाई से देख लें उसी फर्स्ट वीक में 15 जुलाई को ये कमेंट किया था। अगस्त सितंबर, जुलाई से अगस्त सितंबर 2 महीने हो गए हैं। ठीक है जी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि आप इन 8 जजों का क्या कर सकते हैं, पीसीओ ले आए, इमरजेंसी लगा दें, नो अदर वे। इसमें 4 फ्यूचर के चीफ जस्टिसेस हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, ठीक है जी, फिर वो अपना मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी और आयशा मलिक, 4 फ्यूचर के चीफ जस्टिसेस हैं। उस निजाम को, चारों को ये उठा के डस्टबिन में फेंकना चाहता है थ्रू आईनी अमेंडमेंट। काजी फैज भोसड़ी कि मैं 3 साल ले लूं, और कह रहा है कि उनको भी, उनको कैसे मिलेंगे, वो बेचारे तो रगड़े खाते रहेंगे फिर, और तूने तो 3 साल में फिर रिवर्स भी करा देनी है कि ये सिर्फ मेरे स्पेसिफिक थी। बहुत बड़ा कुतपुना ये कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। वो अपने कार्ड बड़े आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से ऐसा ऐसा खेल रहे हैं, और फैज भोसड़ी का टुआ मार रहे हैं, हुकूमत का टुआ मार रहे हैं। उन्होंने कहा जी आज एक सुप्रीम कोर्ट में खुद आबैल मुझे मार, इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं किया 40 इंडिपेंडेंट्स के चक्कर में, 41 39 उस पर तो डिसाइड कर दिया जिन्होंने उसके सर्टिफिकेट्स दिए थे सुनी इतिहाद के, तो उनको तो कर दिया, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट दिए हुए थे उनको नहीं किया था नोटिफाई, और कहा था जी ये डिसाइड करेंगे। अब उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि जब आपने मान लिया कि तहरीक इंसाफ इज अ रजिस्टर्ड पार्टी, आपने मान लिया कि तहरीक इंसाफ इज अ रजिस्टर्ड पार्टी, देन तहरीक इंसाफ के जिन्होंने रजिस्टर्ड तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं उनमें शायद एक नहीं है वो जो बजोड़ से कोई जिसका भाई मारा के, पर्सनल हो जाती है ना लोग के, मुझे पीटीआई का टिकट नहीं मिला, तू इतना बड़ा इमरान खान का सपोर्टर, पीटीआई का दल्ले मैन चोत, तो फिर तुझे एमपीए बनने की क्या जरूरत है, वन शुड सपोर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ, वो उनकी गोद में गांडे शांडे की गोद में बैठा हुआ है, मरियम नाने गश्ते के ममे चूप रहा है, ठीक है जी। तो लिहाजा अब अजीबोगरीब, अच्छा उसमें 40 अब इनको चले जाएंगी, वो 41वां तो खैर उसने सर्टिफिकेट नहीं लगाया था क्योंकि पीटीआई वाले ने लगाया होगा, अब वो 40 उधर चले जाएंगे। इनकी धड़म हो गई, इन्होंने आज तकरीरें की, इमरान खान पे वो मलबा भुट्टो का डाल दिया, वो मैंने नीचे लिखा है कि आपके जो, उसने कहा मेरे दादा आपके नाना को हलफ दे रहे थे, वो फॉरेन मिनिस्टर का नाना को हलफ दिया और नाना ने जनाब मुल्क की 2 टुकड़े कर दिए
डैडी कहता था। उसने ये नहीं कहा कि बिल्लो रानी ठूं ठूं, बिल्लो रानी ठूं ठूं, मेरे दादा को आपका नाना डैडी कहता था। ठीक है जी, मैं तो होता मैं ये भी कहता कि आपके नाना जी जो थे ना वो हरामी थे, वो नेहरू के बच्चे थे, ठीक है, बेटे थे, नेहरू के शाहनवाज की बेगम के साथ ताल्लुकात थे, नेहरू की बेगम के माउंटबेटन की के साथ ताल्लुकात थे, ये गंदे लौड़े से। तो आज धड़म हो गया इनका केस। 8 जजेस का आप कुछ कर लें, जो सवाए इमरजेंसी के कुछ नहीं हो सकता, सवाए पीसीओ के साथ। पीसीओ होगा वही मुशर्रफ वाला गांड होगा। 8 जजेस या 10-12 जजेस निकलेंगे, धड़म, सारा वकील और सारे पड़ जाएंगे। अब तो इनको मौत पड़ गई है, इनको 4-5 उसके तोड़े। फजलुर रहमान की भी टूई सेकी गई, ये जो हीरो बनता फिर रहा था, गांडागिरी करता था, ये कुतुपना है, ये बदमाशी है जिसमें ये सारे लोग पड़े हुए हैं। और इमरान खान को फौज के खिलाफ बहुत पहले ये स्टैंड लेना चाहिए था जो इमरान खान अब ले रहे। 2.5 साल हो गए इमरान खान को उतरे, देखें इस 2.5 साल में पहली दफा इमरान खान ने कहा है कि जी फौज का कसूर था इस पाकिस्तान का, और फौज फिर ऐसे हालात केपीके में पैदा कर रही है। ये बहुत अच्छे अल्फाज थे, जो भी उतरा था तो पहले महीने में ये कहे जाते और उसकी गूंज केपीके असेंबली में सुनाई देती, फिर बाजवे की टूई लाल होती और पता होता सारे दहशतगर्द केपीके में आईएसआई के पाले हुए कुत्ते हैं। ये अफगानिस्तान के तालिबान आकर बताते हैं, उसे उसको बताया है अली अमीन गंडापुर को कि ये सारे इनके बदमाश कुत्ते, छुड़े हुए बदमाश हरामजादे, ठीक है ना जी, दहशतगर्द पाले हुए जिन्होंने एपीएस पे हमला करवाया, इन्होंने करवाया, ठीक है जी, एहसान वगैरह जिसको फिर इन्होंने रिलीज कर दिया, वो दहशत गरों ने, इसीलिए वो पश्तीन से भी मिलना चाह रहा है, पश्तीन मूवमेंट के लोगों से भी अली अमीन गंडापुर मिलना चाह रहा है कि ये इन लोगों ने बड़ी ज्यादती की है, इन लोगों ने बड़ी बदमाशी की है, लिहाजा इनको हर तरह से काबू किया जाए। आईएसआई फंस गई है, फौज फंस गई है, फौज का डिबैकल है, जिस तरह फौज का डिबैकल ईस्ट पाकिस्तान में हुआ है, इस पाकिस्तान में टुकड़ा ही अलग कर दिया, इधर टुकड़ा अलग होना बच जाएगा, लेकिन अवाम इस फौज को वर्दी उतार के छतर मारेंगे, केपीके में छतर मारेंगे, सारी दहशतगर्दी इनकी डाली हुई है। मुझे इतना दुख होता है, मैं ईद जहा 2013 में गालिबन मना रहा था इस्लामाबाद में, मैं एक उधर ब्लू एरिया में होटल है क्राउन प्लाजा, उसमें ठहरा हुआ था, तो मुझे जो सर्व कर रहा था वो बंदा वजीरिस्तान से था, तो मैंने उसे कहा कि बेटा आप ईद पे नहीं गए, कहता है सर क्या जाना, 12 जगह चेकिंग होती है, 2 दिन लग जाते हैं, कहता है 12 जगह, कई जगह सुर्ख कार्ड, कई जगह ग्रीन कार्ड, कई जगह येलो कार्ड, कार्ड बने में लानत है, कहता है अपने वतन जाने के लिए 12 जगह चेकिंग होती है, ये हालात हैं जनाब साहब इनके, कुत्ते हैं, बदमाश हैं, इनको ठुड्डे मारें। कल वो मुझे कहते कि सर घर कैसे सील आपका हो सकता है, मैं कह पूछे इन दलों से, कहते नहीं सर क्या वजह, मैं कह जी हमारे खिलाफ बोलना छोड़ दे इस वजह से सील हुआ, कहते इससे सर ये जायदाद सील कर लेते, मैं कह की हुई है जी, वो जिसके पास लौड़ू से के बट के पास कनाली चट के पास मेरा पार ऑफ अटॉर्नी है, वो वकील नहीं करता है, कहता है मुझे उठा के मेरा टूआ मारेंगे, ठीक है जी, लेकिन हमें परवाह ही नहीं, दबा करें ले अपनी बंड में ले मनीरा मिस्त्री सूअर कुत्ते के बच्चे, तुम लोगों ने पाकिस्तान गर्क कर दिया है। देखें यार, $1 मिलियन की वो लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं जो मिले थे, मेरा उनको खुदा की कसम चूमने को दिल कर रहा था, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे सी फूड की, मैं चाइनीज के साथ मिलने की, हम भी क्लोज टू $1 मिलियन उसको ले जाते होते थे, वो चाइनीज बड़ी एक्टिव थी, बट दिस इज टू गुड, ठीक है ना जी, बजाय इसको उनको सब्सिडाइज करें, बिजली फ्री दें, इंसेंटिव दें, ये बेचारे इधर ट्रेनों पे फोन करके, नजर साहब ये अब इधर मिटाचन ट्रेन कब आएगी, कैसे आना है बेचारे, कहीं साइकिल पे कहीं मोटरसाइकिल पे, ये बिजनेसमैनों को हुकूमतें वीआईपी स्टेटस देती हैं एक्सपोर्टर्स को, ठीक है ना,
ये हाँ इमरान खान ले गया था उसने, यस उसने दो चीजें बहुत अच्छी की, एक रिमिटेंसेस बड़ी बड़ी थी ओवरसीज को उसने बड़ा स्टेटस दिया, दूसरा एक्सपोर्ट से भी उसने ऊपर ले आया था, $30 बिलियन तक आ रही थी। लेकिन फिर अमरीका साहब बहादुर को बड़ी तकलीफ उठी कि पाकिस्तान कैसे अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, पाकिस्तान को तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लुली पे खड़ा करना है, अमरीका ने पाकिस्तान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लुली पे खड़ा करना है, इसलिए उसने कहा चलो जी जाओ दफा हो ऐसी की तैसी तुम्हें। ये हालात हैं, बड़ा दुख होता है मुझे कि कोई पाकिस्तानी, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो कल वो मुझे कह रहे थे मैंने आपको सब्सक्राइब कराया है, मैंने कहा सर मैं तो वैसे कहता नहीं हूं, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज आप जो वो जो बेल की टुई है ना वो ना मारना, बेल की टुई ना मारना, आप कोई अच्छी चीज इंटरनेट पे देख रहे हो ठीक है जी, सर्फिंग में देख रहे हो, अरे ऊपर से ठू नोटिफिकेशन आ जाए NMC टीवी का कोई लुली वाला वीलॉग आ जाए तो आप सब्सक्राइब कर देना, कोई नहीं बाकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब कोई सब्सक्रिप्शन की मेरे चूमे चाटे की जरूरत नहीं है कि शेख इमरान साहब को हमारे महमूद शेख साहब मिले, तल्ले गिरवा कर उधर दल्ला सा लंदन में मिला और फिर कहते हैं आपने मेरे स्टूडेंट बनने, मैंने क्या कहना था कि हम सब स्टूडेंट हैं, यस आई एम अ स्टूडेंट, मैं अभी आपको वो जो ख़त्म करूँगा वीलॉग मैं उस पर करूँगा वो जो शेख इमरान साहब ने कल मुझे भेजे थे बहुत अच्छे आज। हाँ अच्छा मैंने जो बात की है मूवी की, हु गेट्स द डॉग, ब्यूटीफुल मूवी 2016 की मूवी है, कॉमेडी है, कस्टडी ऑफ डॉग, मियाँ बीवी में इधर झगड़ा होता है तो फिर कस्टडी ऑफ द किड पे मामला कोर्ट में जाते हैं, इधर कस्टडी ऑफ द डॉग पे मामला कोर्ट में गया है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह के अब मामला जा रहे हैं कि कस्टडी ऑफ द डॉग का भी मामला आएगा कि कुत्ता कौन है ये डिसाइड किया जाए कि कुत्ता किसकी मलकियत होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इलेक्शन कमीशन की। देखें ये हरामजादा काजी फैज साहब कहता था इलेक्शन कमीशन आजाद एक आईनी, क्या आईनी इदारा, इसका मतलब आईनी इदारा जो मर्जी करता मेरे मार्शल लगा दे कि जी आईनी इदारा है, जो दल्ला सा मारे इसको पकड़ के इन कुत्तों को, जीना आराम किया हुआ है 25 करोड़ का इन हरामजादों ने, इतना खूबसूरत मुल्क है, ट्रंप आ जाएगा इनसे जान छुट जाएगी, कमली आ गई लुट जाएगा, कमली का भी मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला ने अमेरिका को सजा जरूर देनी है, अमेरिका ने जो गन पिछले 100 साल में किए हैं खास तौर पे पिछले 75 साल में, मुझे लग रहा है कमली की सूरत में अल्लाह ताला ने अमेरिका को अजाब देना है, अल्लाह ताला कमली हारिस से उस अजाब से बचाए, अदरवाइज तो बाबा हम भी अमेरिका छोड़ देंगे और अपना कहीं पनाशना जाके ले लेंगे, ये तो हमें मार देंगे नंगा करके सबको, इनके जो हालात हैं ये जो कुत्ते हरामजादे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो जनाब साहब मैं तो वो हु गेट्स डॉग वेरी इंटरेस्टिंग है कि मतलब आखिर में ये होता है वेरी ब्यूटीफुल कि वो कस्टडी एक आइस प्रोफेशनल प्लेयर आइस हॉकी का होता है क्ले और एक डॉक्टर ओलिविया होती है बहुत खूबसूरत, उनका गोल्डन रिट्रीविंग डॉग गोल्डन लेपरडोर रिट्रीविंग डॉग होता है, वो बहुत ही बब्बड़ सा वो कंटेनर में चले जाता है अलग हो के अपनी वाइफ से एक लेक के साथ कंटेनर में क्ले, मुझे बड़ा वो पसंद आते हैं आरवी में रहना, मुझे बल्कि कल ही आरवी वो ऑफर कर रहे थे आरएफ साहब के दे हैव सम प्लेस इन न्यूफाउंडलैंड पेंसिल्वेनिया, आरवी में कोई रहना चाहे या मोबाइल होम में तो बताएं, तो अगर कोई बंदा उस प्लॉट पे मोबाइल होम पे या आरवी पे बेस करता है, दो आरवी या मोबाइल होम इज गुड, एक गेटेड कम्युनिटी है तो आई वुड लव टू लिव विद हिम एंड इट्स फ्री ऑफर फ्रॉम आरएफ साहब, ठीक है जी। अच्छा जी अच्छा तो फिर उसके बाद मुकाबले शुरू हो जाते हैं, उसको लेने के लिए कोर्ट में मामला जाते हैं, आखिर क्ले को उसका मिल जाता है, उसके बाद जी उनका कोई डिसीजन होता है कि मिलें यार इसको मिलाएं, कुत्ता गुम हो जाता है, वो शेल्टर होम से मिलता है, ठीक है जी। शेल्टर होम से मिलने के बाद इट हेल्प्स कि कपल आपस में जुड़ जाए और फिर उनका बच्चा भी हो जाता है, ये सारे पेट बच्चा ना होने की वजह से, या ओल्ड पीपल ने जिनके बच्चे उनको छोड़ गए उन्होंने रखे हुए हैं, या ये यंग मेरे जैसे बेटा और उसकी बेगम है,
कि बच्चा कोई है नहीं, पैदा नहीं करना जी, खर्चे बहुत हैं, तो बिल्ली रख ली। ये इस तरह के पेट हैं। फिर उनसे बच्चा भी पैदा। वेरी गुड मॉरल, डू वॉच दैट मूवी, कॉमिक मूवी है, लवली मूवी। ठीक है जी, अब आपको मैं मूवीज के थ्रू ताकि आपके टिकटॉक से आपका छुटकारा हासिल हो। ठीक है जी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ कोट्स बताऊंगा। कोट्स ये पढ़े होते हैं अपना उधर गूगल शूगल पे, लेकिन आप बॉदर नहीं करते हैं। तो कुछ पिक चॉइसेस, कई दफा बंदा रोज बता देता है। शेख इमरान, माने इमरान इसराफील बहुत अच्छे बंदे हैं, बड़ा उसका दिमाग काम करता है। जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे तकलीफें दी, मेरा दिल दुखाया और मेरी तजलील की, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। मेरा मजाज शायराना और दिल मोहब्बत से भरपूर है। मुझे इस दुनिया में करोड़ों और अरबों लोगों पर प्यार और खलूस निछावर करने के लिए भेजा गया है। दस्तवस्की ओनली लव एंड ग्रेटिट्यूड, करी जा नफरत टुवे से। मैं तो बहुत देर फेसबुक पे हेडिंग लगाई रखती, कीप हेटिंग, इवन ऑन द ट्विटर आल्सो, ट्विटर हैंडल पे था कीप हेटिंग। ठीक है, एक फारसी कहावत है कि दर्द बा फ्रमोश मिश्र ने ली, वो फारसी में लगा हुआ है, जिसमें लिखा है जो लोग इसकी वजह बनते हैं वो कभी नहीं रंज भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग इसकी वजह बनते हैं वो कभी नहीं भूलते। मैं अक्सर कहता होता हूँ, लोग कहते हैं यार मुझे माफ़ कर दें, आई सेड इट्स वेरी इजी टू फॉरगिव यू, आई विल फॉरगिव यू बट आई कांट फॉरगेट। ठीक है जी, वो भूलते नहीं हैं। ठीक है, जो लोगों की भीड़ के साथ चलने का आदी होता है वो जिंदगी में सजूम से कभी आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन जो जिंदगी में तन्हा अकेला होकर अपनी राह पर चलता है वो अक्सर अपने आप को इन अजीम मकामात पर पाएगा जहाँ इससे पहले कोई और नहीं पहुँचा होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थिंकिंग मेरे से बहुत ज़्यादा मिलती है, काफ़ी सारी हॉबीज़ भी उसकी वही। मुझे म्यूज़िक का टूटे फूटे खुद ही बजाने का बड़ा शौक़ है, वॉक का मुझे बड़ा शौक़ है। और ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आप अकेले हों, तन्हा हो, यूनिकनेस को अपनी उभारें, इट्स वेरी गुड रियली। अच्छा, फिर गलीलियो ने कहा रियाजी वो ज़ुबान है जिससे खुदा ने कायनात को तहरीर व तख्लीक किया है, जिसने लॉगरिथम्स पर अबूर हासिल कर लिया वो या तो खुदा बनने की कोशिश करेगा या शैतान बनेगा। ये नंबर गेम, कबाला, कबाला को इसीलिए बैन किया था या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबाला पे बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस था, बट वो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं थे। जादू टूने वाले भी इसे नंबर्स को यूज़ करते थे। एक्चुअली यस, डिविंची कोड में भी यही है, ये उसी में है, और मुस्लिम फिलोसोफर्स मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के यही बातें करते होते थे जो गलीलियो ने की हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता मोहब्बत कैसे की जाती है, मछलियाँ मुअल्लम की मोहताज नहीं जो उन्हें तैरना सिखाए, और चिड़ियों को उस्ताद नहीं चाहिए जो परवाज के इस्बाक पढ़ाए, तुम्हें खुद तैरना है, तुम्हें खुद उड़ना है, मोहब्बत दर्सी किताबों में नहीं पढ़ी जाती, तारीख के सारे अजीम अशाक अनपढ़ थे। ये नज़ार कबानी का बहुत ज़बरदस्त, मैं एग्जैक्टली इस पे बिलीव करता हूँ, आई डोंट बिलीव इन एनी उस्ताद, नेवर। ये शेख इमरान, ताहिरुल कादरी, जावेद गांधी, ये मुस्लिम स्कॉलर्स, ये इनका फॉल्ट था। उस्ताद तैरना आप खुद सीखेंगे, आप ये बताएंगे, मैं ये बता सकता हूँ कि तैरने में कितना मज़ा है। ठीक है, ओ मैं तैर रहा हूँ, मैं फ्लोट कर रहा हूँ, यू योर सेल्फ हैज़ टू डाइव इनटू इट थ्रू वाया इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन के जरिए आपने उसमें डाइव डाउन करना है। ठीक है जी, अच्छा फिर उसके बाद है कि जनाब मोहब्बत दर्सी किताबों में ही तारीख, ठीक है जी, कोई तो होना चाहिए कि कम अज़ कम एक वो जिसके पास आप जा सकते हो जब आप नहीं जानते कि कहाँ जाना है। काफ़का, वेरी गुड, कि जब व्हेन यू हैव लॉस्ट द वे एटलीस्ट यू शुड हैव वन पर्सन, वन। मैं हमेशा एक अच्छे दोस्त की तलाश में रहा और उसके साथ कुछ कॉमेडी गुजारी, एटलीस्ट फॉर 40 ईयर्स ये मेरा ट्रेंड रहा, एंड नो वेयर आई यूज़ टू गो, एक होता था, चेंज हो जाता था, बल्कि 50 ईयर्स तक पाकिस्तान में जब तक मैं रहा
तकरीबन मेरा यही रहा। हर झूठ एक जहर है, कोई भी झूठ बेजरर नहीं होता, सिर्फ सच्चाई ही महफूज है, सिर्फ सच ही मुझे तसल्ली देता है, ये एक टूट बेरा है। टॉलस्टॉय ने ये कहा, बहुत ज़बरदस्त है, सच्चाई ही सब कुछ है। यकीन करें, झूठ ये जो बोल रहे हैं ना, फाइज भोसड़ी, गांडा शांडा और नीरा सुअर शुअर, झूठ में रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, इनकी जितनी जलालत तसलील गंद हो रहे ना, बिलो रानी शानी, ये कुत्ते कुत्ते, ठीक है ना जी, बिल्कुल। आपके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, पहला ये कि आप ऐसी ज़िंदगी गुजारें जिसमें मौजज़े का कोई वजूद ही ना हो, और दूसरा ये कि आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को मौजना अपनाएं। अगेन आइंस्टाइन, अगेन मेरा फ़लसफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले पैगम्बरों पर मौजज़ात उतरते थे, इन पर मौजज़े नहीं हुए, प्रैक्टिकल लाइफ से खुद मौजज़ा कर दिया। कुन फयकून पे रूहानियत की एक्सलेंस में कुन फयकून के स्टेज, ठीक है जी। अम्मा मुझे अक्सर समझाया किया करती थी कि मैं जहालत को कभी नज़रअंदाज ना किया करूं, लेकिन ये भी लाजमी समझने की कोशिश किया करूं कि नाखानदगी होती क्या है, क्योंकि बकौल अम्मा के कई ऐसे लोग होते हैं कि जिनको इल्म हासिल करने के मौके नहीं मिल पाते, लेकिन जो दरसगाहों के उस्तादों से कहीं ज़्यादा इल्म से भरपूर और ज़हीन होते हैं। मारिया एंग्लो, मेरी माँ अनपढ़ थी, चिट्टी अनपढ़ थी, कुछ चार पांच जमातें, सारी अक्लो फहम की बातें, सारी रूहानियत की बातें, सारी काम की बातें, अखलाकियात की बातें मैंने अपनी वालदा से सीखी, इसीलिए ये किताब डेडिकेट मैंने अपनी वालदा को की है, जो मेरी लाइफ स्टोरी है, ठीक है जी। जहालत को जितनी रायत हमारे समाज में दी गई है, उसकी मिसाल शायद ही कहीं मिल सके। जॉन एलिया बाबा बड़ी अच्छी बातें करता था, वाकई जहालत है सारी। मैं हंसता हूँ जो चीज़ें मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एंकर्स को जो देखता हूँ, बाकी लोगों को तमाशा अजीब, जहालत पे बेस्ड है। जहालत को एक्सलेंस दी जा रही है, सितारा इम्तियाज जहालत में को दिया जा रहा है जी। अच्छा, फरनूत से एक तबास है जॉन एलिया का, ख्यालात की जंग में किताबें हथियारों का काम देती हैं। बैरूनी, बैरूनी के बारे में मैंने आपको अल बैरूनी का पहले भी बताया था कि ये जो किताबें हैं ये बहुत इल्म का, इन काश मुस्लिम फिलोसफर्स को जो 300-400 साल के अरसे में मुहित रहे, 800 से गालिबा 9वीं सदी से 12वीं सदी तक, क्या कमाल के लोग थे, चूमने को दिल करता है, क्या स्कॉलरली एफर्ट्स थी इनकी, अलकिंदी, अलफराबी, अलारबी, इबन अलारबी, बैरूनी और ये सारे लोग, ठीक है जी, अलराजी। सबसे ज़्यादा नादान वो है जो छोटी चीज़ की खातिर बड़ी चीज़ खो दे, मौलाना वहीदुद्दीन, छोटी चीज़ की खातिर बड़ी चीज़ खो दे। उन्होंने कहा कि नेकी जो है ना वो छोटी भी किया करें, ये ना हो के आपको, ठीक है ना, आप बड़ी बड़ी चीज़ें खो देते हैं। उसने कहा है कि छोटी चीज़ की खातिर, ये खैर इसका मतलब तो ये है कि हर छोटी चीज़ की खातिर का तो मतलब है कि छोटे छोटे इक्तदार आर्टिफिशियल नशे जो हैं इनमें पढ़ के आपने ये किया। एक अफ्रीकी कहावत है, जब हमाकत के सामईन होते हैं तो वो इसे अकलमंदी मानने लगते हैं। ये कल्ट इन्फ्लुएंस, तकलीद, कंडीशनिंग के मामलात हैं। इवन मैं तो कहूँगा ये हमाकत प्लेटो और एरिस्टोटल ने भी बहुत की, कंडीशनिंग, तकलीद, हर किस्म की कंडीशनिंग और तकलीद जो क्रिएटिविटी को, यूनिकनेस को इंसान के ख़त्म करती है, वो सारी की सारी ही हमाकत है। मौसीकी एक अखलाकी कानून है, ये कायनात को, रूह दिमाग को पंख बख्शता है और आपके हाथों में तखय्युल, जादू, जिंदगी और हर चीज़ को लज्जत देता है। अफलातून, इसकी मिसाल जो हैं वो शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई हैं, उनका दम्बूरा ज़रूर सुने और उनकी माइयाँ दम्बूरे पे ज़रूर सुने। यस, ये रूह की गज़ा है और ये आपको उस कॉस्मिक डांस में ले जाने में सबसे आसान तरीन एक्सेस देती है। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।